स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी के इस शो पर जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। आज सच में सावित्री की एक बेटी है हमारे साथ और इत्तेफाक की बात यह है कि सावित्री बाई फुले इसी नाम का एक महिला मंडल भी चलाती है। इनका नाम है इंदुमती वानखेड़े जी। ये एक वैसे तो प्योरली 100% सोशल वर्कर है, फुल टाइम सोशल वर्क करती है, महिलाओं के लिए काफी काम करती है, बच्चों के लिए करती है, पर साथ साथ इनका एक नर्सिंग कॉलेज भी चलता है, एमएड और बीएड कॉलेज भी चलता है। काफी संघर्षमय जीवन रहा है इनका, तो आइए इनके जीवन को और इन्हें जानते हैं। मैम वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपका जन्म वर्धा में हुआ है तो किस प्रकार का परिवार था आपका, आपके परिवार में कौन कौन था, आपके बचपन की जिंदगी किस तरह की थी, मैं जानना चाहूंगी आपसे। मेरा जन्म वर्धा में हुआ है और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, चार भाई दो बहनें थी और बहुत ही आर्थिक परिस्थिति से कमजोर था, इसलिए मेरे पिताजी ये टिन टप्पर का काम करते थे और हालाकी का जीवन था उनका। उस हालाकी के इसमें मेरा जन्म हुआ, तब मेरे हमारी इतनी कठिनाई थी, उस कठिनाई में मेरे पिताजी ने सबको संभाला और वो उसके उसी में गुजारा किया जो उनको मिलता था। फिर वो से छोटे छोटे बिजनेस करके वो उन्होंने उनको फिर कलाटनी मिल गई, बाजार पेट मिल गया, थोड़ी थोड़ी सुधारना हो गई। शुरू में तो हमें मालूम भी नहीं था कि वो जो हमको जो कपड़े लाते थे तो मुर्दों के कपड़े थे, वो हम पहनते थे। बड़ा परिवार होने की वजह से आर्थिकता में सुधार नहीं आई, इसलिए मैं जब दसवीं क्लास में थी तब बहुत दूर मेरा दो ढाई किलोमीटर में पैदल स्कूल में आती थी। और दसवीं पास होने के बाद मैं प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की आर्ट कॉलेज में। तो ऐसे करते करते फिर प्री यूनिवर्सिटी में थी तब मेरी शादी जुड़ गई, एक ऐसे परिवार से जुड़ गई, वो भी बहुत बड़ा परिवार था, 12 लोग उनके घर में थे। उनके घर में सिर्फ बोरे की पट्टी थी और ऊपर टीन थे, ऐसा वो घर था। उस घर में मुझे दिया गया और वो जो मेरे मिस्टर थे वो एग्रीकल्चर में काम करते थे और मैं सुबह उठकर वो 12 लोगों का काम करती थी। सुबह उठकर पानी भरना, 1 किलोमीटर पर जाकर बर्तन मांजना, कपड़े धोना, और मुझे ज्वारी की रोटी खाते थे घर के लोग तो वो बनाने नहीं आता था, फिर भी मैं कोशिश करके ज्वारी की रोटी बनाती थी और उन सबको, सब लोगों को, 12 लोगों को मैं खाना खिलाती थी। बहुत कठिनाई होती थी ये काम करते करते क्योंकि मेरी उम्र तब 16 साल की थी। मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर हम जब वर्धा में आए तो वर्धा में आने के बाद मुझे लगा कि भाई अपन अभी पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं मेरी शादी के 35 साल होने के बाद मैंने फिर पढ़ाई की, एकदम बीए फाइनल की परीक्षा दी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई की परीक्षा देकर बीए किया। शादी के 35 साल बाद मन में साहस होता है कुछ करने का, तो दिक्कत आई तो भी वो झेलने की मुझे आदत थी और छोटेपन से भी मैं ये सब कठिन करके मैं पढ़ी और समाज के लिए भी काम करती रही। जब घर से शुरुआत हो गई काम करने के लिए तो वो आदत पड़ गई ज़्यादा काम करने की, समाज में काम करने की। और मेरा जो घर था वो झोपड़पट्टी में था, मुझे दिया गया था, उससे मुझे लगा कि जब मैं देखती थी उस झोपड़पट्टी का समाज तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अपन भी कुछ इसके लिए करना चाहिए, बच्चों के लिए करना चाहिए। और उनको भी अपन बहुत सारे सामाजिक कार्य करते होते हैं लेकिन मुझे भी सामाजिक कार्य करने के लिए मेरा निश्चय बना और मैं वो काम करने लगी। हाँ, जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी समाज कार्य आपने किया है और साथ साथ एक लड़की को भी आपने अडॉप्ट किया है,
तो मैं उस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि कैसे मिली आपको वो लड़की और क्या आपके मन में आया उसे देखकर कि आपने सोचा कि मैं इसे अपने घर ले चलूँ। हाँ, वो हम जब काम करते थे तब मेरे को एक लड़की झोपड़पट्टी में मिली और वो बहुत होशियार लगी, तो मैं बोली मैं इसको दत्तक क्यों ना लूँ, इसलिए मैंने उसको दत्तक लिया और उसका पढ़ाई की और पढ़ाई होने के बाद उसको शादी का खर्चा वगैरह मैं नीचे लगाया। वो अभी फिलहाल में बहुत अच्छे घर में पड़ी और मेरा नाम भी लेती है। हाँ, तो ऐसा कुछ ज़िंदगी में ऐसे जो कठिन है, ऐसे अपन जो कुछ अच्छे काम करते हैं, किसी का भला करते तो अपने को भी उसमें सुख मिलता है, इसलिए मैं वो काम करती। जब भी अपने को लगता है कि अपन किसी का दुख अपन ने झेल लिया तो अपने को आप खुद बे खुद सुख मिल जाता है। किसी के दुख में अपन सहभागी होना, उसमें अपना सुख मैं समझती हूँ। इसके बाद हम दोनों मिलकर सुन सकते हैं कि वो आपके लिए क्या कहना चाहती है, तो आइए जानते हैं उसके क्या मत हैं। मेरा नाम रानी नाशिकराव महेशकर है, मैं चंद्रपुर जिले की रहने वाली हूँ और बल्लारशाह तालुका में मेरा छोटा सा गाँव है दहली करके, मैं वहाँ से आई हूँ और मैं इंदुमती वानखेड़े मैडम के यहाँ नर्सिंग कोर्स कर रही हूँ और ये पूरे वर्धा जिला में मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है, इसलिए मैं मैम के तरफ पिच रह के मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। वो मैम बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। मैं नर्सिंग के साथ साथ मैं ऑफिशियल कामों में भी मैम का हाथ बढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इंदुमती जी से बातें यूं ही जारी रहेंगी, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। नहीं, फिर वहाँ से मैं बदली हो गई मेरे मिस्टर की, वो नासिक गए और मैं वर्धा आई, तो फिर मैं वर्धा में भी अपना संस्था स्थापन किया मैंने। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर एक बार, आप देख रहे हैं ये शो, इसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। हमारे साथ है इंदुमती वानखेड़े जी। मैम वेलकम बैक। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने समाज के लिए काफ़ी सारा जो कार्य किया है, हालांकि आपकी खुद की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से भरी गई, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, पर फिर भी आपने समाज के लिए कुछ करना चाहा, तो आपने शुरुआत कहाँ से की, क्या क्या कठिनाइयों को आपको फेस करना पड़ा शुरुआती के दौर में, ये आपसे जानना चाहूँगी। शुरुआत ये झोपड़पट्टी में से जो गरीब लोग आते हैं उनके जो प्रश्न रहते हैं उन्हीं से मैं जुड़ गई और देखा है कि अपन ने भी कुछ स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। आखिर अपन संसार में रहते हैं, संसार भी चलाना और बाकी के लोगों को भी अपना कुछ आधार चाहिए, क्योंकि जो अपन अपने प्रण लिया है कि महिलाओं को जो झोपड़पट्टियों की महिला रहती है और आसपास की भी उधर इधर उधर महिला रहती है, उनके जो कुछ प्रॉब्लम है वो शुरू से मैं उनका काम करती आई हूँ। मैं एक उनसे पद पर नहीं थी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो लेडीज है पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, उसको अपने पैर पर कैसा खड़ा करना चाहिए। हाँ, तो ये मैंने मुझे शुरू से मुझे लगता था कि नहीं, अपन अपने को कुछ आता है तो वो लेडीज़ को भी कुछ अपन ने सिखाना चाहिए, उसको अपने बलबूते पर खड़ा रहना चाहिए, उसमें भी कुछ अपने जैसा काम करना चाहिए। ये प्रेरणा मैं हर लेडीज़ को, हर लड़कियों को, हर बच्चे को देना चाहती हूँ। और उस वजह से मैं जैसे काम दोपहर का वक्त, जैसे सुबह से दोपहर 11 बजे तक मेरा काम होता था, तब मैं 2-3 घंटे झोपड़पट्टी में जाकर उनके बच्चे के लिए पढ़ाती थी, बालवाड़ी निकाली आदिवासी लोगों के लिए। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आदिवासी बालवाड़ी जो है वो आपने कौन से वर्ष में शुरू की थी? वो 87 में आदिवासी बालवाड़ी की शुरुआत की और उनके लिए मैं कपड़े लेती थी। उनका रहन सहन ठीक नहीं लगता था मुझे, वो स्नान नहीं करते थे तो उनका स्नान भी करके देती थी मैं, उनके बाल ये कर, उसको अच्छा रहने का तरीका मैंने ही सिखाया उनको। जगह के लिए आंदोलन छेड़ी, बहुत से लोग, अभी कम से कम 500 लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए घर
कायम सर्व के मिलने के लिए उनके आदिवासी लोगों के लिए मैंने लड़ा दिया है और वो सक्सेस भी हो गए और उनके लिए उनके बच्चों के लिए मैंने आदिवासी बालवाड़ी भी निकाली है और वो अभी वो वहाँ के बच्चे अब स्कूल में जाने लगे, उनको अभी अच्छे रहने लगे। वो जब काम करते थे तो उनका पैसा नहीं मिलता था, तो अधिकारों के लिए मैं उनका पैसा मिलने के लिए भी लड़ती रही और ऐसे करते करते मैं खुद मजबूत हो गई कि अपन काम जो करते हैं, तो मैंने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की। तो ये जो सारे काम आपने किए हैं शुरुआती दौर में, तो क्या ये सभी वर्धा में ही आपने किए? जब नहीं, मेरे मिस्टर की नौकरी थी बुल्ढाना में, हाँ, तो वहाँ कुछ 10 साल मैं लेडीज़ क्लब की सेक्रेटरी रही और वहाँ ऑफिसर की जी जो पत्नी रहती थी, बीबिया रहती थी, उनके पास के बच्चों के जो कपड़े रहते थे वो मैं सब बच्चों के कपड़े लेकर झोपड़पट्टी में जाकर वो देती थी और उनके जरिए से बहुत सारे काम किए मैंने वहाँ 75 में। हाँ, 75 में मैं बुल्ढाना में गई और वहाँ सब ऑफिसर के लेडीज़ के साथ मैंने काम किया, वहाँ ब्लड डोनेशन किया, चार बार मैं ब्लड दिया और वहाँ पे मूक बधिर लोगों को कर्ण यंत्र दिए, पेटियाँ दी, उनको गद्दियाँ दी, यानी सब महिला जो ऑफिसर्स लेडीज़ क्लब के जो महिला थी उनके साथ पैसा जमा कर हम इन लोगों को मदद की और हमारा हर संडे को हमारी न्यूज़ भी आती थी, यानी वो अधिकारी भी मेरे अधिकारी की बीबियाँ भी मेरे साथ में काम करती थी और उनके तब मेरा शिवाजीराव मोघे ने समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने मेरा सत्कार भी किया कि ये जो काम कर रही है झोपड़पट्टी से जुड़ी हुई औरतों का, जुड़े हुए बच्चों का काम कर रही है, इसलिए मेरे को उन्होंने पुरस्कार दिया। क्या आप अभी जानते हैं कि वहाँ पे जो बुल्ढाना में जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में इतना कुछ काम किया वहाँ पे आज स्थिति किस तरह से है? नहीं, फिर वहाँ से मैं बदली हो गई मेरे मिस्टर की, वो नासिक गए और मैं वर्धा आई, तो फिर मैं वर्धा में भी अपना संस्था स्थापन किया मैंने, उसका नाम सावित्रीबाई फुले रखा और जो सावित्रीबाई ने काम किया जो बच्चों के लिए वो काम मैं करना चाहती थी, इसलिए सावित्रीबाई की प्रेरणा, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा ये लेकर मैं ये संस्था चालू की। इसके बाद पूछना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ आपने काफ़ी कुछ काम किया है, तो किस किस प्रकार का काम किया है और साथ ही किस क्षेत्र में किया है? उसके महिला अंतर्गत जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मदिवस लेती हूँ मैं, उनके वजह से दारूबंदी के कार्यक्रम लिया मैंने, रक्तदान का प्रोग्राम लिया, वृक्षारोपण का प्रोग्राम लिया, अंधश्रद्धा का प्रोग्राम लिया और अत्याचार ग्रस्त महिलाओं के लिए मैंने ज़्यादा काम किया। मैं महिलाओं के लिए बहुत मेरे विचार में महिलाओं के लिए बहुत आदर है और हर जो कुछ महिला पिछड़ी हुई है और झोपड़पट्टी में रहने वाली है और जिसको कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे महिलाओं ने अभी देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, इसलिए उन महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहने चाहिए, वो उन्होंने अपना आत्मबल सुदृढ़ किया करना चाहिए और मेरा कहना है कि हर महिला ने अपने पैरों पर खड़े होकर किसी की परवाह न कर अपना जीवन ये मजबूत करके खुद लड़ाई लड़नी चाहिए। दारूबंदी पे आपने आंदोलन जो किया है, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे दारूबंदी पर ही काम करना है या इस विषय को लेकर कुछ करना है? ऐसा एक प्रसंग मेरे ध्यान में है कि एक दारू वाला आदमी अपने बीवी को पत्थर लेकर उसकी जान लेना चाहता था, वैसे ही उसकी बच्ची मेरे तरफ आई दौड़ते हुए और मैं उसको बोली कि बाबा भैया मेरी कसम तुझे कि अपने पत्नी को नहीं मारना, और उसने मेरे तरफ देखा और वो पत्थर नीचे डाला। फिर तब से मेरे मन में ऐसा जागृति आ गई कि नहीं, वो जो लोग दारू पीते हैं और मैं अपने बीबी को तकलीफ़ देते हैं और उनका जो उनको जो लेडीज़ को जो तकलीफ़ होती है
असह्य है, क्योंकि वो अपना जो कमाई का खर्चा आधा से अधिक अपने दारू में ये करता है, और जो लेडीज रहती है उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत कठिन परिस्थितियों को उसको सामना करना पड़ता है, और बच्चे भी ठीक तरह से वो पढ़ नहीं पाते। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होती है, तो आप पर भी बहुत बड़ा सा एक ये रिस्क ही काम ही था कह सकते हैं। बहुत गुंडे लोगों ने धमकाया मुझे, मेरे इधर कुछ चिट्ठियाँ भी आई कि तुम ये काम मत करो, तुम छोड़ दो, लेकिन मैंने वो काम छोड़ा नहीं है। चिट्ठी आती थी फाड़ कर फेंक देती थी और मैं अपना काम करती थी। मैम यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये कार्यक्रम हम बेटियाँ सावित्री। अकेली रही तो उसको डरी है कि कैसा भी बोलो कि नहीं, वो लड़की जब तक घर नहीं आती, जब काम पर जाती, जब स्कूल में जाती, छोटी बच्ची जो रहती है वो भी अपने घर रहे तो सुरक्षित रहे। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का। हमारे साथ है यहाँ पर इंदुमती वानखेड़े जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनकी जिंदगी के बारे में जान रहे थे, तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैम वेलकम बैक। मैं अभी आपसे जानना चाहूंगी कि स्त्रियों के साथ आपने काफी ज्यादा काम किया है, काफी सारा उन्हें मतलब अन्याय से बचाने के लिए, अत्याचार से बचाने के लिए, दारूबंदी के खिलाफ काम किया है, काफी सारे काम किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज स्त्रियां सेफ है, सुरक्षित है इस देश में? आपका क्या कहना है इस बात पर? नहीं, स्त्रियां सेफ नहीं है आज भी। यानी मैं तो 25 साल से ये महिलाओं के लिए काम करती हूँ, फिर भी महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। अपने को लगता है कि कायदे है, कानून है, सरकार है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। इसका कारण मैं बताना चाहती हूँ कि खैरलांजी हत्याकांड कितना बड़ा हत्याकांड हो गया, फिर भी महिलाओं को न्याय नहीं मिला। हमने तो रास्ते पर आकर काली साड़ी पहनकर हमने आंदोलन किया, नागपुर में रिजर्व बैंक समोर सामने, वर्धा में आंदोलन किया, बहुत आंदोलन किया, तब कुछ थोड़ा फार न्याय वो आदमी को मिला। फिर भी अभी इतना बड़ा होकर भी हर महीने, हर दिन, हर चौराहे पर महिला सुरक्षित नहीं है। अकेली रही तो उसको डरी है कि कैसा भी बोलो कि नहीं, वो लड़की जब तक घर नहीं आती, जब काम पर जाती, जब स्कूल में जाती, छोटी बच्ची जो रहती है वो भी अपने घर रहे तो सुरक्षित रहती है, लेकिन घर के बाहर जब जाती है किसी के साथ तो भी घर आने तक डर ही रहता है। ऐसी जो पढ़ती है लड़की, सुबह से सुबह स्कूल में जाती, कॉलेज में जाती, फिर भी घर आने तक उसका यानी कैसे आती होंगी, कैसी वो सब मन में रहता है। लेडीज़ का भी वैसा है, वैसे उम्र की कोई ये नहीं है, लेडीज़ के कोई भी उम्र में उसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर सही ढंग से अभी भी महिला असुरक्षित है। उसको वो सही ढंग से उसको न्याय नहीं मिल पाता है, और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा आम आदमी के सामने देना चाहिए। इसके बाद और एक मुद्दा है जिस पर आपने कई कई सालों से आप आंदोलन करती आ रही है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट भी है, हम कह सकते हैं कि बोधगया पे जो इतना बड़ा इशू हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, काफ़ी लोग सड़कों पर आए हैं, आंदोलन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, पर आप इस मुद्दे पर काफ़ी पहले से काम करती आई है, 1987 से आप ये आंदोलन करती आई है, तो कैसा अनुभव रहा है इसका? हर डब्बे में मेरी गांव-गांव की महिला उसमें बिठाकर मैंने आंदोलन छेड़ा है। बुद्ध गया में हिंदू के ताबे में जो बुद्ध विहार है वो बौद्धों के हाथों में देने के लिए मैंने ये आंदोलन छेड़ा है। और वहाँ हमारे राज्यपाल रासू गवई भी रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है ये बौद्धों के ताबों में काम आने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहे हैं। और हमारा आंदोलन जारी है, अभी वहाँ ब्लास्ट हुआ है उसके लिए भी आंदोलन छेड़ा है, उसके लिए भी सरकार को निवेदन दिया है। उसके जहाँ जहाँ बौद्ध विहार है वहाँ वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और बुद्ध विहारों में
सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए भी मैंने आंदोलन छेड़ा है। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि थोड़ा सा अलग विषय है ये, कि आपको समाज कार्य के अलावा आपने नाटकों में भी रुचि ली, आपने कई नाटक बनाए हैं, कहीं पर रोल प्ले किया है। वादर नीरा क्रांति से ये नाटक जो आपने बनाया था सबसे पहले, उसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन चरित्र है, मुझे ऐसा ख्याल में आया कि जब ये अपन ने भी कुछ अपना बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर नाटक करना चाहिए, लेकिन मैं खुद अकेली तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे एक जोशी साहब मिले पुणे के, वो जो डायरेक्टर है इसके, तो उसको मैंने बताया कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन चरित्र है वो अभी तक जो किसी ने लाया है नाटक पर्दे पर, लेकिन उसको सही ढंग से नहीं लाया, कुछ कम इसमें लाया है, कम मुद्दे लाया है उसमें, लेकिन मुझे डिटेल बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन चरित्र चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं उसके लिए मैं खर्चा करूँगी, तुम अपना बाबा साहेब अम्बेडकर का नाटक तुम लिखो, उसकी मैं सह निर्माती रही, और वादरणीय क्रांति से ही नाटक, ये नाटक मैंने उनको बताया, और उसमें वो नाटक में बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म से, उनके क्रांतिकारी घटनाओं से, तो उनके मृत्यु तक, उनके शादी, पहली शादी, दूसरी शादी, और बाद में उस बाबा साहेब अम्बेडकर मृत्यु, और उनके भाषण वगैरह उसमें नमूद करने के लिए उनको बताया, और उसका खर्चा मैंने 2-2.5 लाख रुपए मैंने खुद किया। इसके बाद जैसा कि बहुत सारे मुद्दों पर हमने आपसे बातचीत की, काफ़ी कुछ आपके मत जाने, इसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पर अंतिम मोड़ पर। यहाँ पर मैं आपसे एक संदेश, कोई एक मैसेज लेना चाहूँगी जो हमारे दर्शकों के लिए हो। एक मैं बात भूल गई मैं बताने के लिए, मैं 1996 में मेरा एक लड़का डॉक्टर के गलत दवा से मर चुका है, वो 17 साल बीत गए, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैं आंदोलन छेड़ती रहती हूँ, आंदोलन करती ले कि मैं भी अन्यायग्रस्त महिला हूँ, मेरे को भी अभी तक न्याय मिला नहीं, बहुत परेशान हूँ कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो आम लेडीज जो रहती है उसको क्या न्याय मिलेगा, इसलिए मैं लड़ती। बाबा साहेब ने बताया है कि तुम शेर, लेडीज़ को तुम शेरनी से जैसे जियो, बकरी जैसे मत जियो, बकरी को कोई भी काट सकता है, लेकिन सिंहनी को मारने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है, ऐसे बाबा साहेब ने कहा है। उस राह पर, उस विचारों पर मैं चलती हूँ, डरती नहीं हूँ, और सिंहनी जैसे मेरे विचार मैं अमलत लाने के लिए कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको, और इसी के साथ बताना चाहूँगी कि इस एपिसोड की समाप्ति यहीं पर होती है। लेते हैं विदा इस एपिसोड से, मिलेंगे आपको हम बेटियाँ सावित्री की इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद। इंदुमती जी वर्धा जिले की एक बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है, सावित्री बाई फूले महिला मंडल चलाती है, इनके नर्सिंग कॉलेज तथा बीएड एमएड कॉलेजेस भी चलते हैं। बच्चों तथा महिलाओं के लिए इन्होंने काफी काम किया है, साथ ही कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जैसे कि दारू बंदी आंदोलन, खैर लांजी आंदोलन, और करीब पिछले 25 सालों से बोध गया बौद्धों के हाथों में हो इसलिए इस आंदोलन में सहभागी रही है। इन्होंने कई नाटकों में भी काम किया है। इंदुमती जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि दलित मित्र पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, धम्म भूषण, नारी गौरव, सावित्री बाई फूले पुरस्कार, मातोश्री रमाबाई अंबेडकर पुरस्कार आदि।